जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज से कुछ सालों पहले ना बॉलीवुड का सफ़र थोड़ा दूर सा लगता था, क्योंकि हर एक के लिए संभव नहीं हो सकता था। और बहुत से कलाकार जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में जाकर काफ़ी नाम भी कमाया है। मुकेश ऋषि जी की बात करें, मुश्ताक आग जी की बात करें, बहुत से ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग का लोहा मनाया है। और OTT को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं OTT के आने के बाद ना सिनेमा घरों में भी जो है लोग कम जाना शुरू हुए हैं। आप कहीं भी देखने को मिलता है कोई शाहरुख खान, सलमान खान या कोई बड़े बैनर की फिल्म रिलीज होती है तो लोग जाते हैं देखने, लेकिन OTT ने घर घर में एक परिवार की तरह जगह बना लिया। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मिस्टर जी राठौल जी हैं, और जल्द ही एक नई मूवी जो कि जम्मू कश्मीर में शूट हो रही है उनके कलाकार हमारे साथ, हमने आपसे पहले भी रूबरू करवाया, लेकिन इनमें एक छुपा सा आर्ट और है जो आज उसी से शुरुआत करेंगे। एक्टर तो ज़बरदस्त है, सिंगर भी उसे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। तो सर ये हमने थोड़े हमारे मीडिया के सोर्स रहते हैं, हम कहीं ना कहीं से थोड़ा क्वेरी दे आते हैं, ज़्यादा लगाव और ज़्यादा प्यार किस से है, एक्टिंग से या फिर सिंगिंग से? एक्चुअली यार क्या है कि कुछ चीज़ें साथ साथ ऐसे चलती रही कि बचपन से मुझे सिंगिंग का शौक था। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी करने आया तो ग्रेजुएशन में मास्टर से पहले म्यूज़िक चाहिए था एज ए सब्जेक्ट, तो मेरे पास था नहीं, तो मैं एक्टिंग की फील्ड में चला गया। तो वहाँ से मेरा एक्टिंग का सफ़र शुरू हो गया। तो फिर सडनली ये चीज़ें साथ साथ चलती गई, और 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब दोबारा मुझे लगा कि नहीं, कि जो मेरा आर्ट था कहीं ना कहीं सारे बैठ चुके हैं, तो क्यों ना क्यों हम म्यूज़िक से स्टार्ट करें। तो फिर से कंटिन्यूसली मेरा म्यूज़िक का काम स्टार्ट हो गया। फिर एक दो गाने चलते गए चलते गए, फिर बैक टू अब बेसिक। अब क्या है, मुझे लिखना अच्छा लगता है, तो लिखने में क्या होता है, लिखता हूँ, लिखने के साथ खुद का कंपोज करता हूँ, गाता हूँ, एक्टिंग भी साथ साथ चलती है, प्रोफेशन है मेरा, तो मैं काफ़ी चीज़ें एक साथ चीज़ें करता रहता हूँ। मतलब प्रोड्यूसर नहीं बनना, बाकी तो मल्टी टैलेंटेड आप हो ही। हाँ, प्रोड्यूसर भी नहीं बनना, और होपफुली मैं डायरेक्टर भी नहीं बनना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आगे काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि थोड़ी ये चीज़ें मैं अच्छी कर लेता हूँ, लिखना गाना। मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पे विश्वास भी है और अपने फेवरेट भी हो, और अपने आप को बार बार चैलेंजिंग मोड पर लाकर चैलेंज भी करते हो कि यस ऐसा कोई काम नहीं है इस धरती पे जो मैं नहीं कर सकता, बस बकायदा उसके लिए एक नियत वैसी होनी चाहिए। डेफिनेटली ये आपने जो बात कही है मैं इसे 100% एग्री करता हूँ। ये मेरा लाइफ का मोटो है कि आपने जो ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो बस आपकी डेडिकेशन 100% होनी चाहिए। तो एट ए टाइम अभी भी मैं 5-7 चीज़ें एक दिन में करता हूँ, 1.5 घंटा मेरी जिम की एक्सरसाइज, म्यूज़िक, कंपोजिशंस, एक्टिंग टाइम मैनेजमेंट पूरी पूरी है, क्योंकि मेरी मेरा सर्कल वैसे मैंने बहुत नहीं रखा हुआ, मेरे मेरे बहुत सारे कोई दोस्त नहीं है, मैं ज़्यादातर बोलता हूँ कि मैं अपना दोस्त खुद ही हूँ, तो इसलिए बाहर आना जाना मेरा बहुत कम होता है। तो आई एम फुली फोकस्ड ऑन माई वर्क। मुझे लगता है कि ये चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक मेरी टाइम मैनेजमेंट रहती है कि इस वक्त ये भी चीज़ें करनी है साथ में। एक चीज़ करना बहुत आसान होता है, उसके लिए आपके पास टाइम ही टाइम है। जब आप 3-4 चीज़ें एक साथ करनी है तो अब आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, अदरवाइज आप नई चीज़ें कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, तो साथ में अभी ये गाना रिलीज़ होना है उसकी भी साथ में प्लानिंग चल रही है, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, पोस्टर बन रहा है उसकी, मेरे पास मिक्स एंड मास्टरों के फाइनल आ रहा है, उनको मैं चेक करके बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं ये ओके है, इसमें ये करेक्शन करनी है। तो साथ में एक फिल्म का प्लान चल रहा है इंग्लैंड में, उसका शूट है, तो उनके साथ भी रात 1.5 घंटा मेरी प्रोड्यूसरों के साथ फ़ोन पर बात होती रही थी स्टोरी के रिगार्डिंग। तो चीज़ें चल रही हैं ऐसे, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं पैक्ड होता हूँ। ऐसे कलाकार ना, एक कलाकार की ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि कलाकार की जो सोचने की तरीका होता है वो एक बाकी नॉन कलाकार से ज़्यादा अलग होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे बैठे होंगे ना तो आपके दिमाग में 2-4 चीज़ें अभी भी चल रही हैं ड्यूरिंग इंट्रैक्शन, तो वो आप चीज़ें ऑब्जर्व करके जब उसको लिखते हो खास तौर पर। मैंने एक मूवी देखी थी रॉकस्टार, जिसमें कहा था कि टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है, तो एक डायलॉग था, वो एक डायलॉग की तरह, लेकिन हम उस टाइम पर लिया करते थे भाई संगीत गाना गाने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। तो आपके कॉलेज टाइम में या फिर जब आप बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, तो कभी ऐसा रहा कि दिल टूटने वूटने वाला सीन या कोई चीज़ ऐसी हर्ट कर गई हो या कुछ, कोई भी चीज़? मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की को लेकर, दोस्तों को लेकर। यहाँ तक देखो, दिल तो हर किसी का टूटता ही टूटता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड से ही टूटे। मैं सोसाइटी को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था,
मुझे याद है कि मैं अपने खेतों में जब काम करता था उस वक्त मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स शुरू किए थे, तो मुझे उस वक्त जो क्लास डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में, इन चीज़ों को देख के मेरा बड़ा दिल टूटता था कि यार कि हम, मैं और मेरे साथ काम करने वाला एक ही हार्ड वर्क के आदमी हैं, मेरे पास सब कुछ है, मैं आराम से काम कर रहा हूँ, वो सारा दिन मजदूर है काम कर रहा है, तो ये क्यों है? ये चीज़ें मुझे बहुत पिंच करती थी। तो स्टार्टिंग में मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि ये दिल टूटने वाली चीज़ें थी सोसाइटी को लेकर। उसके बाद फिर जब मुझे हिंदी फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार कि मैंने आगे निकलना है, कुछ करना है, कुछ करना है। क्या करना है उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि कुछ करना है। गांव में पैदा ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन दुनिया में घूमना है, दुनिया में जाना है, दिखाना है। तो ये चीज़ मुझे बचपन से लेकर चलती गई। तो उसके बाद क्या हो कि जब आपको काम मिल जाता है, तो वो जब काम करते हैं तो काम आपका अप्रिशिएट होता है, तो अपने आप के लिए चैलेंज बन जाता है कि नेक्स्ट टाइम आपने और करना है। जिस दिन हमने पहला गाना मैंने रिलीज़ किया, उसके बाद चैलेंज थी अब नेक्स्ट करना है। अब जब आपके सर पे बढ़ गई तो आपको लिखना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, दो चार ऐसे ऐसे हो गया। तो राइटिंग स्किल्स मेरे पास बचपन से थे, तो मुझे म्यूजिक बनाना या फिल्म लिखना कभी मुश्किल उस तरह से नहीं लगा था। जब लिखी जाए चीज़ें तो फिर उसके साथ फिर मैं म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के चीज़ें बनाना, तो ये था। सोसाइटी को तो ऑब्जर्व बहुत करता हूँ एज एन आर्टिस्ट, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जितना आप चीज़ों को माइन्यूटली देखोगे, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक, प्रोड्यूसर तक, हर चीज़ मेरी आंख में है कि इसकी जॉब के लिए किसी को कितना क्रेडिट मिल रहा है, किसी को नहीं है। अब स्पॉट बॉय मुझे लगता है वो उसकी सबसे ज़्यादा थैंकलेस जॉब होती है। बिल्कुल तो मुझे पहले, एक्सपेक्ट भी नहीं करता। हाँ, तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता। जब मैं उसके पास आता हूँ, मैं उसको उसे नाम से बुलाता हूँ, मुझे कभी नहीं अच्छा। सबसे पहले मैं, आप बोलोगे कि सेट पे जाके किसी का नाम मैं याद करता हूँ, तो वो स्पॉट बॉय। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं स्पॉट को ये कहूँगी स्पॉट, तो मुझे होता है कि यार उसका नाम है, अब मेरे को कहे ओ एक्टर, अजीब लगता है। हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो जितना आप हो सके तो उनको देखते हैं, उनकी भावनाएं जानते हैं, तो इससे क्या है कि आर्टिस्ट का एक दिल होता है, तो यार उसमें बैकफायर भी किया, क्योंकि हद से ज़्यादा अच्छे इंसान होना भी कई बार कुछ सोसाइटी के लोग होते हैं ओवर शेडो करते हैं, बैकफायर करते हैं, आई मीन बैक बिचिंग तो लोग करते ही रहते हैं। कई बार आपको लगा कि मैं इंसान अच्छा हूँ और मेरी सोच ऐसी है, हर एक की वैसी नहीं हो सकती, मैं बदलने की कोशिश कर सकता हूँ लेकिन रहना उन्हें वही है, 5 मिनट बदल भी जाएंगे, कभी ऐसा हुआ? बहुत बार होता है ऐसा। एक तो क्या है कि मैं सच बताऊं, दुनिया क्या सोचती है, लोग कैसे हैं, मैं इस चक्कर में ही नहीं पड़ता। मुझे ये होता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचे आपको उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, आपका दिल आपके बारे में क्या सोचता है आपको उसकी फिक्र करनी चाहिए। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, 10 लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आपको दिल से आपको आवाज़ आ रही है कि आप सबसे बड़े बेईमान हो, तो मुझे उसकी फिक्र है। दुनिया बाहर में जब वो कहती रही है तो बेईमान है क्रप, लेकिन आपका दिल कह रहा है आप सही है, आईना है, मैं दिल की सुनता हूँ। और दूसरा, मुझे इस बात का ज़्यादा वक्त ही नहीं मिलता कि यार कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। हाँ, मैं मतलब इतना मशरूफ रहता हूँ कि मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं, अभी भी मेरे 2 घर होते हैं, कनाडा इंडिया, आना जाना ऐसे लगा रहता है। बहुत से लोग फ़ोन करके ये पूछते हैं कि आप इंडिया में हो या कनाडा में हो, आप वहाँ थे या यहाँ थे। तो मेरी एक ट्रैवल ऐसी चलती रहती है। जिस दिन डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया था इस फिल्म का मैसेज, वो आज भी मेरे पास पड़ा है। उनका पहला मैसेज था, रटोल साहब आप इंडिया हो या अभी बाहर हो? मैंने कहा मैं इंडिया में हूँ। तो वो कहते हैं कि एक फिल्म है, बड़ा चैलेंजिंग रोल है, आप करेंगे? मैंने कहा मुझे आप स्क्रिप्ट भेजिए, मुझे कुछ मत सुनाइए, कुछ मत बोलिए, मुझे स्क्रिप्ट भेजिए। मेरे मन में था अगर मेरे पास स्क्रिप्ट आई कंप्लीट, तो उसी वक्त मुझे लग गया था कि मैं ये काम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ तो मुझे पता है स्क्रिप्ट का मतलब, पता है बॉन्डिंग, और एक बॉन्ड स्क्रिप्ट आपको मिलना डायरेक्टर की तरफ से, तो मतलब है कि वो अपने काम के लिए 99% प्रिपेयर है। तो मैंने एक रात में वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा कि यार कि हाँ काम करना है, तो बस काम स्टार्ट हो गया। ऐसी चीज़ लगी रहती है, अभी भी 3-4 चीज़ें साथ चलती रहती हैं। तो लोग क्या कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस करते चलो, बस यार, बस किसी चीज़, आप दुनिया में जाने के बाद कोई नहीं आपको याद रखेगा, सिर्फ आपका काम याद काम रखेगा, याद है। और वो ईमानदारी से करते रहो, और कम से कम आप किसी का बुरा ना सोचो। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि गॉड सन होता है,
बचपन से टचवुड यहाँ तक आने के सफ़र में मैंने जो चाहा है, मुझे क्यों रंज रखूं दूसरों से, कोई मेरे बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, मैं क्या करूं, मुझे जो चाहिए बिना मांगे मिल रहा है, खूबसूरत ज़िंदगी है। जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, इससे बड़ी ब्लेसिंग मैं कहता हूँ किसी पे कुछ भी नहीं। तो मेरे लिए वो भगवान ने दिया, उसी से मेरा घर चल रहा है, दुनिया घूम रहा हूँ, नए लोगों से मिल रहा हूँ, इंटरेक्शन हो रही है, तो इससे बड़ी खुशी भी, फिर भी आप खुश नहीं हैं तो मुझे लगता है आपसे दुखी आदमी इस धरती पे कोई नहीं होगा। सही नहीं है। जाते जाते एक सॉन्ग सुना दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतने मल्टी टैलेंटेड कलाकार हैं और गाना सुने बिना आपसे अलविदा लें। अभी मेरा एक गाना रिसेंटली हमने कश्मीर में शूट किया था तो वो रिलीज होना है, तो मैं उसके दो बोल सुनाता हूँ। परियां दी रानी है तू अंबरा तो आई है, बेले वह के रब ने तू रिजाना बनाई है, मलका डे और दी सगंधियां उड़ा में तू, पहरा दे कलेजियां ते छुरियां चला में तू, राह विच खड़ खड़ के बस होंके पर दे रहना, अखा नाल मारेंगी मारेंगी ना केस कोई गल पैना, जिथों दी तू लंघना है तेनू कातल कातल कहना। क्या बात है, जो इंसान रूह से साफ होता है, दिल से साफ होता है, तो वो उनकी आवाज़ ना वो कनेक्ट करती है, सीधा दिल को जाके टच करती है। काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, और मैं अक्सर एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि देखिए, आपको अच्छा टाइम जो है ना वो कुछ ज़्यादा अच्छा सिखा के नहीं जाता, आपका बुरा वक्त आपको बड़ा अच्छा कुछ सिखा के जाता है, आपको अपनों की पहचान करवा के जाता है कि आपके बुरे वक्त में कितने लोग आपके साथ खड़े हैं, और असली आईना जो है ना उस समय पता चलता है कि कौन अपना है और कौन कहने को अपना है। हमारे चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के वासियों कुछ बोलना चाहो? यार मुझे आके यहाँ पे सचमुच बहुत अच्छा लगा, और कश्मीर तो हमने हाईलाइट कर दिया था म्यूज़िक में भी, फिल्म शूटिंग के लिए भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं जो जम्मू था वो पीछे रह गया था। अब जो ये फिल्म सिटी बन चुकी है, अब इससे वो जो गैप था वो फिल होने जा रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पे टैलेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के साफ लोग हैं, भोले लोग हैं। मेरे बहुत अच्छे एक मेरे दोस्त हैं, वो अभी नरेंद्र, डॉक्टर नरेंद्र, वो भी कारगिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हम अभी यूनिवर्सिटी पटियाला में एक साथ पढ़े थे, परसों मेरे मिलने आए। मैं बोलता होता था कि यार कि इतना भोला इतना सीधा सच्चा इंसान को नहीं होना चाहिए जितना तुम हो, तो वो कहता था कि आप जम्मू में आओगे ना तो आपको हर कोई ऐसा ही दिखाई देगा, तो वो उसकी बात मुझे अब याद आती है, सच है, यहाँ पे बहुत दिल के साफ लोग हैं, सच्चे हैं। ये दुनिया से थोड़ा पीछे हैं, लेकिन यार पीछे रहना और वो तो क्या है, आप वक्त के साथ आगे चले जाएंगे, लेकिन दिल से आप बहुत आगे हो। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सिलसिला दोस्ती का कारवा आगे भी चलता रहेगा, मुझे भी अच्छा लगा, और आप खुश रहें। पूरा इस माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी मिली है, जियो और दूसरों को जीने दो। खुद भी जियो और दूसरों को जीने दो। तो खैर काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। जब कोई इंसान, मैंने पहले भी कहा, दिल का इतना साफ होता है ना तो पॉजिटिव वाइब्स आना नॉर्मल सी बात है, और जब पॉजिटिविटी हर जगह हो ना तो नेगेटिव ख्याल दिल में आते ही नहीं है। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि आपका जो पैशन है ना वही प्रोफेशन बन जाए ना, तो फिर समझ लीजिए आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। देखते रहिए चलवान इंडिया, राहुल खत्री, नमस्कार।